उनकी बीवी की नहीं बनती है, तो उनकी माँ ने उनकी बीवी पे हाथ भी उठाया। देखिए, हम इस किस्म के अमल की हौसला अफजाई नहीं करेंगे। किसी भी खातून के लिए जायज़ नहीं है कि अपनी बहू पे हाथ उठाए, क्योंकि आज वो दूसरे की बेटी पे हाथ उठाती हैं, लेकिन कल को जब इनकी बेटी ससुराल जाती है और वहाँ पर उन पर कोई हाथ उठा लेता है, तो फिर इन्हें बहुत परेशानी होती है। तो खुदा रहा, इस किस्म की हरकतें ना करें और अपने जज्बात को कंट्रोल करें। दूसरों की बच्चियों को अपने बच्चे समझें, अगर उनमें कोई ख़राबी है, कोताही है, तो उनको बैठ के समझाएँ। बहरहाल, इनके लिए वजीफ़ा यही है कि या खालिकु, ये अपने घर पे कसरत से पढ़ें, अपनी वाइफ से भी कहें, तो इंशाल्लाह इसके पढ़ने की बरकत से घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा और सुकून पैदा हो जाएगा। और हो सके तो पढ़ के पानी पर दम कर दें और घर वालों को पिलाएं सबको। फिर उनका बच्चे आपस में लड़ते हैं, तो उसके लिए भी या खालिकु का बेहतरीन वजीफ़ा है।